नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों, पिछले एक महीने से भी ज्यादा हो गया जब मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, हर बार आगाह कर रहा था कि बाजार एक ऐसी दिशा की तरफ गुजर रहा है जहां से बाजार में अपसाइड बहुत लिमिटेड है और डाउनसाइड पूरा खुला हुआ है। इस चीज का मैं प्रूफ आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता। पहले भी मैंने एक वीडियो के बारे में बात की थी जहां पर हमने 540 का 11,540 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो निफ्टी ने दो बार मेंटेन किया, और हम बिल्कुल क्लियर थे कि जो उसके बाद जो रैली आने वाली है वो रैली ज्यादा से ज्यादा 12,200 के आसपास चली जाएगी। उससे पहले जो हमने डिस्कशन किया था वो हमें लग रहा था कि अगर निफ्टी में अगर गिरावट की शुरुआत होनी है, बिल्कुल होनी है, कितने टाइम से कह रहा था, और अगर वो शुरुआत होनी है तो वो शुरुआत होगी जब निफ्टी 400 450 500 का हाई लगा देगी। 12,450 के आसपास की बातें हम कर रहे थे, पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, मैं उसी क्लिपिंग आपके लिए लेके आया हूं ताकि ये देख सकें कि एक अच्छा एनालिसिस आपके कितने पैसे बचा सकता है और एक अच्छा एनालिसिस कितने पैसे कमाने में आपकी मदद कर सकता है। आपको इस एनालिसिस को करने के लिए अपने चार्ट के साथ साथ में डेटा एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन चेन एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक्सपीरियंस देखिए, मैं इतनी सब चीजें कैसे कर पाता हूं, 2002-03 से इस बाजार का हिस्सा हूं, चाहे वो कमोडिटीज रहा हो चाहे वो इक्विटीज रहा हो। आज 18 साल के आसपास हो गए इस बाजार को देखते समझते हुए, इस बाजार के सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, इस बाजार में बहुत सारे लॉसेस किए हैं, बहुत सारे लॉसेस होते देखे हैं, बहुत सारी रिकवरीज हुई हैं, बाजार में पैसा बनाया है, बनते हुए भी देखा, जाते हुए भी देखा है। तो बाजार के लेवल को समझने के लिए एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है मेरे समय का, मेरे एक्सपीरियंस का। वो एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश करता हूं अपनी मास्टर क्लासेस में। आप आना चाहते हैं आ सकते हैं, आपके शहर में हमारी क्लासेस होती रहती है, और जो भी शेड्यूल हम बनाते हैं वो आपको सेशन में या हम जो भी नेक्स्ट वीडियोस होती हैं, यूट्यूब वीडियोस होती हैं, उनमें पता लग जाता है। चलिए पहले जाने की कोशिश करते हैं। आज हम दोस्तों 1 फरवरी को ये वीडियो बना रहे हैं, इस रात को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, और आपको मैं लेके जाना चाहूंगा 1.5 महीने पहले जब मैं लोगों को आगाह करना स्टार्ट कर रहा था। कोई भी एक भी चैनल नहीं था, एक भी आदमी नहीं था, एक भी यूट्यूबर नहीं था जो ये कह रहा हो कि बाजार में से निकल जाओ। चुनिंदा चुनिंदा लोग थे, मुट्ठी भर अच्छे लोग थे, अच्छे एनालिस्ट थे। मैं टेलीविजन के एनालिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी न्यूज चैनल के एनालिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत ही गिने चुने लोग थे जो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि बाजार में गिरावट की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। वहीं मैं पिछले 2-3 महीने से लगातार कहता आ रहा था कि बाजार एक ऐसे हनी ट्रैप की तरफ बढ़ रहा है जहां लोग फंस जाएंगे, वो लोगों को निकलने का मौका नहीं मिलेगा। लोगों को कहां निकलने का दोबारा मौका मिल सकता है, मैंने आपको वो भी बताने की कोशिश की। चलिए देखते हैं, कुछ झलक देख लेते हैं कि हमने कहां क्या डिस्कशन किया था और कहां चीजें गई हैं। मैं आपको सबसे पहले लेके जाऊंगा अपने YouTube चैनल के वीडियोस में, और ये वीडियोस मैं आपको दिखाता हूं जो हमने एक वीडियो तो हमने बजट के आसपास बनाया था जिसकी हाईलाइट थी, और एक वीडियो हमने बनाया था। देखिए पहले चलिए हम अपने आपको कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर ले चलते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे हमने क्या लिखा, कब लिखा, जिस दिन बजट आया दोस्तों उस दिन 1 फरवरी थी, ध्यान रखिएगा 1 फरवरी को सुबह सुबह। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, जो लोग पुराने हैं इस चीज को जानते होंगे कि सुबह सुबह आपको इस चीज का अंदाजा दे दिया गया था, इफ बजट इज नॉट फेवरेबल मार्केट कैन स्विंग 5-10% नेगेटिव एंड कैन गो मोर बैड। और इसके ऊपर मैंने बहुत क्लियरली बोला भी था, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे सुबह सुबह बोल दिया था, 10 बजे के आसपास मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी, और निफ्टी वहां से 5% गिरी थी। 5% गिरने के बाद निफ्टी में एक करेक्शन शॉर्ट कवरिंग आई थी, जो शॉर्ट कवरिंग उसको 12,200-250 तक लेके जा सकती थी मैक्सिमम। मैंने लोगों को कह दिया था वहां एक निकलने का मौका होगा, पूरी पोजीशन से बाहर आ जाइएगा, बाजार में बने रहने का कोई भी औचित्य नहीं है, देयर इज नो रीजन टू स्टे इन द मार्केट। ठीक है, टुडे ऑप्शंस आर ओवरप्राइस्ड, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल विल आल्सो फेस लॉसेस। जो लोग इन स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं कि इवेंट का दिन है, इवेंट वाले दिन भी इन स्ट्रेटजीज पे काम करने के लिए मैंने मना किया था। इट्स बेटर टू वेट एंड वेट फॉर ए क्लियर ट्रेंड टू एमर्ज एंड देन ट्रेड ऑप्शंस, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड सेफ ट्रेडिंग। मैं हमेशा सेफ ट्रेडिंग की बात करता हूँ। ये दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने डाला था और लिखा था इट्स ऑलवेज गुड टू बी लेट देन नेवर, लेट हो जाइए नेवर के स्थिति में आपको ना आना पड़े। चलिए हम वीडियोस की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से वीडियोस से हमने क्या क्या बात की, चलिए देखने की कोशिश करते हैं आपके सामने क्या है, क्या लेके आया हूं। दोस्तों ये वो वीडियो है जो ध्यान से देखिएगा, 15 जनवरी का वीडियो है 2020 का, 15 जनवरी का वीडियो है। मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाने की कोशिश करूंगा।
दोस्तों जिनको पूरी वीडियो देखने का शौक नहीं है, मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्टली इस वीडियो को जो 15 जनवरी की वीडियो है 2020, एक ही वीडियो है जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस किए थे, यहाँ पे आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को 16:24 पे। यहाँ पे जाइए, सुनिए इस वीडियो में मैंने क्या डिक्लेरेशन की थी 15 जनवरी को। कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए 337 निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 12,337। निफ्टी अगर 337 को मेंटेन करती है बहुत आसानी से 410-411 को पहला हार्डल फेस करेगी, जो अगर यहाँ पे फिर से वो ओपन डस्ट बिल्डअप होता है 411 को क्रॉस करके निफ्टी बहुत आसानी से 450, 498 एंड 585 ये लेवल होंगे, मैक्सिमम एक्सट्रीम होगा। यहाँ से निफ्टी अपना प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से सब कुछ मेरे हिसाब से पूरी पोजीशन से निकल जाना चाहिए। मैं कम से कम एक महीने से कह रहा हूँ कि निफ्टी को अगर एक पुल बैक रैली आनी है, अगर एक करेक्शन फेज में जाना है, तो यहाँ से कम से कम 350 भी टच हो सकता है। निफ्टी का ये लास्ट फेज है जो मुझे लगता है जो इस रैली को यहाँ तक लेके जाएगा। 350 से ऊपर मेंटेन कर रहा है बाजार, 450 लेवल टच होने के बाद आपको सोचना चाहिए निफ्टी से निकल जाना चाहिए। वहां से अगर 150 पॉइंट की रैली और ऊपर रहती है तो एक रियल हनी ट्रैप रहेगा। यू डोंट हैव टू गेट योरसेल्फ इनटू हनी ट्रैप। हनी ट्रैप का मतलब है कि आपको उस जाल में नहीं फंसना है, आपको बाजार को समझना है, बाजार से निकलना ही समझदारी है। यहाँ से बाजार से निकलेंगे तो बाजार से करेक्शन बहुत तेजी से होगी और यहाँ से 12,337 का लेवल रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा ये लेवल। जैसे ही टूटेगा 12,150 के आसपास, उसके बाद 12,050 और उसके बाद 12,000 से नीचे भी निफ्टी जाती दिखाई देगी। दोस्तों यहाँ बहुत क्लियर आपको मैंने कह दिया था कि एक हनी ट्रैप है, बाजार 12,400, 450 तक भी टच कर सकता है, अगर करता भी है तो आपको निकलना है, सब कुछ बेच के निकलना है, बाजार से बाहर बैठने में ही समझदारी होगी। दोस्तों ये वीडियो था 15 जनवरी 2020 का। 15 जनवरी को निफ्टी हमारी क्या थी हम देख लेते हैं, मैंने ये डेली चार्ट आपके सामने आगे रखा है और डेट्स आपके सामने आ जाएंगी। 15 जनवरी को निफ्टी बाजार 355 के आसपास का हाई लगा था और वहां से उसके बाद जो हाई लगा है वो लगा है 20 जनवरी को बाजार ने हाई लगाया है। स्पॉट निफ्टी की बात कर रहा हूँ 12,430 और फ्यूचर में शायद ये 30-40 पॉइंट ऊपर थी तो 12,450 के आसपास का हाई लगा, उसके बाद से लगातार निफ्टी गिरी है। सोचिए मैं कब से कह रहा हूं कि बाजार ज्यादा से ज्यादा 450 टच करेगा, उसके बाद गिरेगा और अच्छी खासी फेज में जाएगा, 12,000 से नीचे भी चला जाएगा। चलिए दूसरी वीडियो देखते हैं, ये वीडियो थी हमारी 15 जनवरी की। अब बात करते हैं हम बजट वाली वीडियो की, बजट वाले दिन की। इस वीडियो को भी जो पूरा देखना चाहें देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन रहती है। ये सीधा 1:57 पे आप स्किप कीजिए जहां से निफ्टी की एनालिसिस हमने करनी स्टार्ट की। चलिए देखते हैं हमने यहाँ क्या बोला। हम बात कर रहे हैं 1 फरवरी की, पहले वीडियो देखिए हमने 15 जनवरी की, उसके बाद हम देख रहे हैं 1 फरवरी की, उसके बीच की भी वीडियोस आप देख सकते हैं कि हम किस कदर निफ्टी का एनालिसिस किया और निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स जो भी हमने एनालिसिस किया बिल्कुल वैसे ही चले। देखिए कर पाते हैं तो आप एक अच्छी स्टडी कर सकते हैं, एक अच्छा अनुमान लगा सकते हैं बाजार किस तरफ चलने वाला है। दोस्तों ये अनुमान हम बहुत टाइम से कह रहे थे, जहां बहुत बहुत पुराने धुरंधर बाजार के पुराने विशेषज्ञ, बहुत सारे मीडिया नेटवर्क्स पे आने वाले लोग, सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे, जगह जगह बात हो रही थी कि निफ्टी नया हाई बनाएगी, निफ्टी यहां से वहां निकल जाएगी, निफ्टी 13,000 छू जाएगी, निफ्टी 12,700 छू जाएगी। बट हम बहुत क्लियर थे, जैसे ही निफ्टी 12,400 के घर को छुएगी वो एक सप्लाई जोन का काम करेगा, वहां से बाजार को गिरावट का सिलसिला को मिलेगा। दोस्तों आज सुबह की पोस्ट को आप देख सकते हैं, जब बाजार खुलने से पहले मैंने अनाउंस कर दिया था कि अगर बजट बिल्कुल भी बाजार के फेवर में नहीं रहा तो कम से कम 5-10% की निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। दोस्तों ये उसी पोस्ट की बात कर रहा हूं जो मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पे दिखाई है आपको, और 3-3% के आसपास की गिरावट तो आज ही देखने को मिली है। और दोस्तों अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप देख के पाएंगे कि जो बजट की रैली होती है कम से कम एक हफ्ते तो रहती ही रहती है और वो रैली कभी कभी एक महीने तक एक्सटेंड हो जाती है। तो अगर बाजार में ये भी देखने को मिला है कि अगर बजट से पहले जो प्री बजट रैली होती है अगर वो 5-10% हाइक की होती है तो वही रैली रिवर्स हो जाती है अगले एक महीने के लिए, वो रैली रिवर्स में आती है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट रहती है। अगर प्री रैली पॉजिटिव रहती है तो आफ्टर पोस्ट बजट रैली नेगेटिव रहती है। बाजार ने आज गिरावट का सामना क्यों किया, बाजार में ब्लड बाथ क्यों किया, ये देख लेते हैं कौन से फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से। तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं, ये हमने बजट एनालिसिस किया था और ध्यान देने वाली बात है मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट है
जो समझदार लोग हैं इसको समझेंगे। मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि जो रैली है एक महीने पहले की जो बजट की रैली है, देख लेते हैं कि एक फरवरी की अगर हम बात करें तो एक फरवरी से एक महीने पहले बाजार कैसा था। चलिए एक फरवरी की डेट निकाल लेते हैं, ये एक फरवरी की डेट है दोस्तों, एक फरवरी को हाई लगाया 12,430 का, और उससे पहले अगर हम एक जनवरी के आसपास जाने की कोशिश करें तो एक जनवरी के बाद से पहले 6 जनवरी के बाद 11,974 के आसपास का लो लगा था, और उससे पहले एक और एक महीने पहले चले 11,800, मतलब 11,800 से लेके 12,400 के आसपास मोटा मोटा 5 से 7-8% की रैली देखने को मिली थी। तो पूरी एक्सपेक्टेशंस थी कि एक महीने के अंदर अंदर बाजार 10% दोबारा गिरेगा। दोस्तों एक फरवरी के बाद, एक फरवरी की कैंडल है आप देख सकते हैं, और ये कैंडल है आपके सामने 28 फरवरी की, पूरा एग्जैक्ट एक महीना, 29 तारीख का शनिवार है, लास्ट ट्रेडिंग डे था 28, एग्जैक्ट एक महीने के अंदर में पूरा पूरा एक 10% बाजार साफ हो गया। दोस्तों अब देख पा रहे हैं कितना जबरदस्त एनालिसिस रहता है, कितना सटीक एनालिसिस रहता है। लोगों को इसमें भी तकलीफ है, अरे भाई आप एनालिसिस क्यों करते हैं, सिखाते क्यों हैं, इन सब चीजों में मत पड़िए। जिसको सीखना है सीखिए, जिसको नहीं सीखना वही सट्टेबाजों की दुनिया रहेगी, उन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट सट्टे की दुनिया ही रहेगी, फिर वो लोग बदनाम करेंगे कि ये बाजार बाजार नहीं सट्टा है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि ये बाजार सट्टा नहीं, ये निवेश का माध्यम है, दिस इज बिजनेस, प्योर प्योर बिजनेस। जिस इंडस्ट्री के अंदर, जिस सेगमेंट में, हम एनएससी बीएससी की बात कर रहे हैं, यहां पे जितनी भी हजारों कंपनीज लिस्टेड हैं, सभी की सभी हमारे देश में कोई ना कोई बिजनेस करती हैं। निफ्टी 50 की अगर बात करें या सेंसेक्स 30 की बात करें, वो टॉप की कंपनीज हैं जो देश का ऑलमोस्ट सारा कारोबार करती हैं। फिर हम इसको सट्टा कैसे बोल सकते हैं? फिर हम उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहेंगे जो आज तक मार्केट को बदनाम करते आए ये कह के कि ये सट्टा है। सट्टा नहीं है। देखिए दोस्तों, सट्टे को प्रेडिक्ट नहीं किया जाता, आप नंबर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नंबर की गेम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशंस करनी आ जाती हैं, अपने डेटा को एनालाइज करना आ जाता है, अपने चार्ट को ढंग से पढ़ना आ जाता है, कितने सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप हर बार समझ जाते हैं मैं किन किन लोगों की बात करता हूं, कितने सारे लोग इतनी थ्योरीज की बातें करते हैं, इतनी स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, सब फेल हो जाते हैं, सभी हनी ट्रैप में रहते हैं, सभी के सभी लोग लोगों को ट्रैप कराने में लगे हुए हैं। इतने सारे न्यूज मीडिया नेटवर्क्स हैं जो हमेशा आपको कहते हैं ये ले लीजिए बाजार का, ये बहुत मेजर सपोर्ट है। कहां है वो मेजर सपोर्ट्स? कहां है वो मेजर सपोर्ट जो सब टूट जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक डेटा रीडर, एक ऑप्शन चेन एनालिस्ट, एक मास्टर ट्रेडर, मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी और के मास्टर ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनको मास्टर ट्रेडर कहता हूं, मैं उनको प्रोफेशनल ट्रेडर कहता हूं, जो चार्ट के साथ में डेटा को अच्छे से रीड करना समझते हैं, बाकी सब ट्रेडर्स हैं, और ट्रेडर्स की कोई लाइफ नहीं होती है। एक अच्छे प्रोफेशनल और मास्टर ट्रेडर बनने के लिए आपको चार्ट के साथ साथ में डेटा एनालिसिस करना आना ही चाहिए। ये एक्सपीरियंस से आएगा, ये समय के साथ आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, रातों रात कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फेल होंगे ही होंगे। अब ध्यान से अगर देखने की कोशिश करें, चार्ट को देख लेते हैं, चार्ट कैसा दिखाई दे रहा है, तो लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं देख लेते हैं। अभी बाजार ने जो लो लगाया है दोस्तों, 11,175 का लगा दिया है स्पॉट निफ्टी ने, और फ्यूचर निफ्टी ने मार्च में जो लो लगाया है 11,116 का। सिंगापुर निफ्टी जो ट्रेड होती है, वहां जो फ्यूचर निफ्टी ट्रेड होती है, वहां पे निफ्टी ने 11,020 के आसपास का लो लगाया है। कोरोना वायरस अभी भी पूरे संसार में फैल रहा है, चाइना बहुत कंसर्न है, चाइना ने अपने जो WHO है वहां पे एक अपील की है कि प्लीज आप हमें बचाइए। चाइना की अपील है WHO को कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, अगर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है तो बाजार मंडे को भी, अगर पूरा वर्ल्ड पैनिक में रहता है, इस सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं माना जाता है, तो ये पैनिक सेलिंग बाजार को और नीचे लेके आ सकती है, 11,000 का इंपॉर्टेंट लेवल भी टूट सकता है। 11,000 का बहुत ही साइकोलॉजिकल और डेटा वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो अगर मेंटेन होता है तो भी एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, बाजार में से फिर से सेल करके बाहर आना चाहिए। अभी बाजार में पॉजिटिविटी नहीं है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुस्तान में हर तरफ आगजनी हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के झगड़े की अफवाहें फैल रही हैं, CA, NRC, NPR के ऊपर डिबेट्स हो रही हैं, माहौल यहाँ भी अच्छे नहीं है। अगर चाइना की बात करें, चाइना जो मैं हमेशा से कहता हूँ एक कंट्री नहीं है, एक इकोनॉमी है, एक इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री जो पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्री है, पूरे वर्ल्ड को मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट देती है वो,
तो अगर वो ठप बैठ जाएगी तो क्या होगा, एक टेम्पररी फेज आएगा कि जहां पे चीजों के दाम ओने पोने महंगे हो जाएंगे, बट अगर चाइना पे अटैक होगा जो वायरस का अटैक है जिसकी वजह से एक्चुअल में लोगों की सोच पर अटैक होने वाला है, तो हर तरफ से लोग अपनी जान बचाने के लिए स्टॉक मार्केट से पैसा निकालेंगे। दवाइयां महंगी हो सकती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो महंगे हो सकते हैं, तो उस सेक्टर के आप शेयर्स को चूज कीजिए जो महंगे हो सकते हैं, क्योंकि जिनके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो मुनाफा वसूली करने की कोशिश करेंगे, तो आने वाले 3 महीने बाद वो बहुत बंपर प्रॉफिट पोस्ट कर सकते हैं। जो खासकर फार्मा कंपनीज हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, जो हमारे देश में मैंने कहा था 75% मेडिसिन जो ड्रग्स हैं जो सॉल्ट हैं उनके वो चाइना से आते हैं। दवाइयां महंगी हो सकती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो चाइना से आते हैं 67% से ज्यादा, वो महंगे हो सकते हैं। तो वो कंपनीज जो इनसे जुड़ी हुई हैं उनका विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए, आने वाले 3 महीने में उनके भाव बढ़ सकते हैं, वो एक मल्टीबैगर शेयर बन सकते हैं। बाजार गिरेगा पर वो शेयर आपको रिटर्न देंगे पॉजिटिव, ध्यान रखिए इस बात को। आज तीन मार्च है और आज मैं इस बात की बात कर रहा हूँ, बाजार गिर सकता है बट सेलेक्टिव स्टॉक्स आपको पैसा दे सकते हैं, आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए अच्छी एनालिसिस करके अच्छे स्टॉक्स को चूज करने के लिए। तो फार्मा सेक्टर के दिग्गज कंपनीज को चूज कीजिए, आप जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने वाली कंपनीज है उनको चूज करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है आपको एक मल्टीबैगर पैटर्न समझ में आ जाए, कोई चीज अच्छी मिल जाए। तो दोस्तों मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि प्लीज अपनी स्टडी कीजिए, स्टडी करने के बाद ही ट्रेड लीजिए, ये प्रूफ सारे आपके सामने रखे। और अभी हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, चलिए चार्ट पे चल पड़ते हैं अपने। देखिए दोस्तों अभी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग साफ साफ कहती है कि अगर 11,000 के आसपास का लेवल मेंटेन होता है तो एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग रैली होगी, 11,000 टूट जाता है तो बहुत ही नजदीक का सपोर्ट रहेगा 10,940 का, 10,940 के बाद में सपोर्ट रहेगा 10,732 का। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, प्लीज इन लेवल्स पे काम करने से पहले अपनी स्टडी जरूर कीजिएगा, मैं नहीं कहता कि इन पे ट्रेड करना है, दिस इज ओनली फॉर दी एजुकेशन लर्निंग पर्पस। तो 10,732 और अल्टीमेट सपोर्ट रहना चाहिए 10,640, 10,640 विल एक्ट एज मदर ऑफ ऑल सपोर्ट टिल मार्च, पूरे मार्च के लिए 10,640 एक मेजर मेजर सपोर्ट एक्ट करने वाला है। 10,640 नहीं टूटेगा वहां से एक बाउंस बैक आता तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को ही ढूंढना है, वहां से एक अच्छी खासी शार्ट पुल बैक देखने को मिलेगी जो 500-700-800 पॉइंट तक की पुल बैक हो सकती है। बट बाजार को अगर यहां से वापस से रिकवरी मोड में आना है तो 10,650 टच करता है तो वहां एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं, बट फिर भी वहां एक डेटा एनालिसिस जरूर करेंगे, सिचुएशन क्या है उसका एनालिसिस करेंगे, हम ब्लाइंडली ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे। मार्केट एक स्लोडाउन में है, बिल्कुल है, वर्ल्ड मार्केट स्लोडाउन में है, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर 10,640 टूटा, हाँ तो हम 10,000 के आसपास या 10,000 से नीचे भी बाजार देख सकते हैं, बट हाल फिलहाल जो मदर ऑफ ऑल सपोर्ट दिखाई देता है 10,640 है। तो प्लीज जिन जो लोग भी फंसे हैं, जो लोग एवरेज करना चाहते हैं वहां पे अपनी स्टडी करके एवरेज करने की कोशिश कर सकते हैं, प्लीज किसी भी अफवाह पे ध्यान न दें। और जितने भी मेरी फिर से एक अपील रहेगी, मैं दिल्ली से हूं दोस्तों, दिल्ली में आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही है जो लोगों को परेशान कर रही है, तो जो लोग भी पूरे हिंदुस्तान में है, जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क है लोगों को बहुत बहुत ज्यादा बरगला रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, दोस्तों एक मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप फेसबुक के ऊपर जाएंगे और ये जितने रॉयट्स हो रहे हैं, इंडिया मुस्लिम हिंदू मुस्लिम दंगों की बातें हो रही हैं, या एनआरसी और एनपीआर और सीए के अगेंस्ट बहुत सारी रैलीज हो रही है, बहुत सारा आपको वीडियो कंटेंट मिलेगा जो आपको भड़का के रख देगा। मेरी आप सभी लोगों से, सभी धर्मों के लोगों से फिर से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज अपना संयम बनाए रखें, भाईचारे का, सौहार्द का, प्लीज आप उदाहरण पेश कीजिए, यही समय है अपनी भारतीयता सामने लेके आने का। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अफवाहों पे ध्यान ना दें, और अगर कोई घटना हो भी रही है तो उसको समय रहते पुलिस को इन्फॉर्म करें, आप एक्शन लेने की कोशिश ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें, और प्लीज अपने और अपने परिवार को सेफ रखें। सबसे पहले अपने आप का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, आप सेफ रहें अपने पड़ोसी को सेफ कर पाएंगे, अगर आप सेफ होंगे तो अपने पड़ोसी परिजनों को सेफ कर पाएंगे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, दंगों में बिल्कुल भी हाथ ना बढ़ाएं, दंगों में पार्टिसिपेट ना करें, लोगों को समझाने का काम करें, हम शांति प्रिय लोग रहे हैं, शांति से पेश आए, धैर्य का सामना करें, धैर्य से काम लें और हिम्मत दिखाएं। ये समय थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है पर देर है अंधेर नहीं, हम जल्दी ही समय इस पोजीशन से निजात पा लेंगे, हमें लोगों पे भरोसा है कि सब लोग बहुत प्यार से सौहार्द से काम लेंगे और ये जो हमारी कौमी एकता है वो बनी रहेगी, जिस चीज के लिए हिंदुस्तान मशहूर है वो हमेशा से हम दुनिया के सामने उदाहरण पेश कर पाएंगे। तो मेरी आप लोगों से सभी दरख्वास्त है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं, ये हमारा देश है, हम सबके लिए बना है, तो प्लीज अपने आप को हिंदुस्तान से कोई भी अलग ना समझे, ये सब आपके लिए है, हमारे लिए है।
बने रहें इस चैनल पे अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर, लव यू ऑल, जय हिंद।